और सीधा आपको कुनकुरी लिए चलते हैं, सीएम साय संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, राधेश्याम राठिया जिंदाबाद, राधेश्याम राठिया जिंदाबाद। एक बार फिर एक बार, फिर एक बार, अच्छी बार, अच्छी बार। आज कुनकुरी सलिया टोली की पावन भूमि में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के इस सम्मेलन में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे बिलासपुर कलस्टर के सह प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा के चुनाव के प्रभारी श्री प्रभुल गोविंद जी, जो लुंड्रा के विधायक भी हैं, लोकसभा के संयोजक श्रीमती गोमती साय, पत्थरगांव विधायक, लोकसभा के चुनाव के सह संयोजक श्री विजय अग्रवाल जी, रायगढ़ के पूर्व विधायक हमारी श्रीमती कौशल्या साई जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री प्रबल प्रताप सिंह गुरुदेव जी, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमणी भगत जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी, हमारे जसपुर जिला के प्रभारी श्री रामकिशन सिंह जी, युवा मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री सौर प्रताप सिंह जुदेव जी, विजय आदित्य सिंह जुदेव जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता कश्यप जी, मंच में विराजमान सम्मान्य आरपी साई जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नेत्रीगण और आज के इस सम्मेलन का संचालन कर रहे हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, सभी हमारे जिला के पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में थोड़े कुनकुरी विधानसभा के पांचों मंडल से आए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मुझे यहां पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए सबसे पहले आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। आज कवर्धना में हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक कुछ कारणों से वो स्थगित हुआ, तो बाद में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे थे, उनका मार्गदर्शन कवर्धन की आम सभा में सभी लोगों को मिला और हम कवर्धा से सीधे
यहाँ पर आए, आने में देरी हुई, आप लोगों को तकलीफ हुआ होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज 6 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। मैं आप सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज के इस अवसर में भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं। उनकी अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के शिवाजी पार्क में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और आज ये पार्टी आप सब लोगों के बदौलत विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज स्थापित है। पहले सन 84 के आसपास हमारे मात्र 2 सांसद हुआ करते थे, तो उस समय एक स्वास्थ्य विभाग में नारा था, हम दो हमारे दो, तो लोकसभा में विरोधी लोग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को मजाक करते थे कि अटल जी हम दो हमारे दो, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे अभी तुम लोगों का समय है, हंस लो। लेकिन एक दिन अंधेरा छपेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, उस समय हम लोग हंसेंगे। तो आज सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण और करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण आज कमल भारत देश में खिल गया है। तो इस स्थापना दिवस की मैं पुनः बधाई देता हूं। आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, कुनकुरी विधानसभा के आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, और आज आप लोगों का विधायक के नाते में आग्रह करने आया हूं, ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। आप सभी लोग श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है ना? तैयार है तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठाकर बताइए कि तीसरी बार हम लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जो रात और दिन 148 करोड़ भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे में 18 घंटा इस देश के लिए जो चिंता कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसको ध्येय वाक्य मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके हित में काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी का एक चुनाव है, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और बनाना है। तो हम लोगों को अपने रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं श्री राजेश श्याम राठिया जी, इनको भारी मतों से यहाँ पीछना जी, राजस्थान जी, राजस्थान जी पीछना जी, इनको प्रचंड मतों से, इनको प्रचंड मतों से कमल छाप में बटन दबा के गीता के सांसद के रूप में दिल्ली भेजना है। राजेश श्याम राठिया जी युवा है, मैं 20 साल आप लोगों के आशीर्वाद से रायगढ़ का सांसद रहा हूं, तो बहुत अच्छे से भाई राजेश श्याम राठिया को जानता हूं। एक घरघोड़ा ब्लॉक में छरवा फाजल करके गांव है, वहां के निवासी हैं और बड़े गौंडिया हैं, उस क्षेत्र के लोग सभी आदर से इनको सिद्धार्थ जी बोलते हैं, सिद्धार्थ जी, हम लोगों को सरदार बोलते हैं तो इनको सिद्धार्थ जी बोलते हैं। और लंबा चौड़ा खेती बाड़ी है इनका,
और आधा से ज्यादा जमीन कौन कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन उसका दे रहा है नहीं दे रहा है चिंता नहीं करते हैं। ऐसे भाई राधे श्याम राठिया जी जो लंबे समय से जनसेवा में लगे हैं, जनपद सदस्य के रूप में, जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में और एसटी मोटर